नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एंड आज दिवाली है तो आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिटरेचर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एंड आज हम लोग एक पोयम के ऊपर बात करने वाले हैं जिस पोयम का नाम है मदर इन अ रेफ्यूजी कैंप, जिसको लिखा है चिनुआ अचेबे ने। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पोयम है एंड इमोशनल है। देखो दिवाली के दिन इमोशनल बातें कर रहा हूँ, इट्स ओके। ये पोयम बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड एक चीज़ हमको सिखा जाती है कि मदर्स लव इज़ एटर्नल, इट्स ब्यूटीफुल। सो आपको आगे पता चलेगा, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई माँ अपने मरे हुए बच्चे को देख के स्माइल करे? क्यों करेगी? सपोज फॉर एग्जांपल आपके लिए क्वेश्चन है, एक बच्चा मर चुका है एंड माँ उसको गोदी में लेके बैठी हुई है एंड शी इज स्माइलिंग। वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन। आपको इसका आंसर मैं इस पोयम के अंदर से ही दूंगा, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन लिख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए जी शुरू करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस ब्यूटीफुल पोयम मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो लिटरेचर होता है वो एक्चुअली होता क्या है। आपने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी होगी, बहुत सारे पोयम्स आपने अपने स्कूल लाइफ के अंदर पढ़ा होगा, बट एक्चुअली लिटरेचर होता क्या है? लिटरेचर बस वो स्टोरीज, वो पोयम्स या अपनी फीलिंग्स, कोई एक राइटर है वो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली द रियल डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर इज़ मिरर टू द सोसाइटी। एक्चुअली लिटरेचर जो होता है ना वो एक आईना होता है, एक समाज के लिए आईना, एक सोसाइटी के लिए एक मिरर होता है। एंड उसको लिखना बहुत ही ब्यूटीफुली बहुत ही कम राइटर्स कर पाते हैं एंड उन सभी को मेरा सैल्यूट है। और सेकेंड थिंग, जो लिटरेचर जो क्लासिक लिटरेचर है एज वेल एज जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूट मास्टरपीस जिसको कहते हैं, उन लिटरेचर की खास बात पता है क्या आपको? कि वो लोग ना लाइंस के अंदर बहुत ही सिंपल चीज़ लिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़। कोई इसमें रॉकेट साइंस है, कोई ऐसी कुछ बहुत बड़ी चीज़ें होती नहीं है, बट उनकी वो दो लाइंस के अंदर ऐसे ऐसे मीनिंग्स छुपे होते हैं, ऐसी ब्यूटीफुल मीनिंग्स छुपे होते हैं जिसको डिकोड अगर आप करो तो यू विल गेट द रियल हैप्पीनेस, यू विल गेट द रियल सेटिस्फेक्शन कि वाई गॉड आपने वो चीज़ को क्या पढ़ा। यही आपको इसी पोयम के अंदर आपको जानने को मिलेगा एंड आई एम श्योर दैट आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग इमोशनल भी होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए, पहला इसका पैराग्राफ है, No Madonna and child could touch her tenderness for a son she soon would have to forget. The air was heavy with odor of diarrhea of unwashed children with washed out ribs and dried up bottoms waddling in leopard step behind blown empty bellies. So आप इससे समझ सकते हो कि यार ये एक जो एक रेफ्यूजी, देखो टाइटल ही है कि मदर इन अ रेफ्यूजी कैंप, तो आप एक इमेजिन कीजिए एक रेफ्यूजी कैंप कैसा होता होगा। हर जगह पे गटर खुली हुई है, खाना नहीं मिल रहा है एंड हर जगह पे मतलब छोटे छोटे बच्चे को मतलब माल नरिश्ड रह रहे हैं, उनके बच्चों के पास छोटे कपड़े नहीं है, माता बहनों के पास कपड़े नहीं है एंड गर्मी धूप बाहर रखते हैं, मतलब बहुत ही बेकार हालत होती है इन रेफ्यूजी कैंप्स की। यहाँ पे कहते एयर वॉज हैवी विथ ओडर्स ऑफ डायरिया, मतलब बच्चे बेचारे दस्त हो गई है उनको एंड खाना पीना नहीं खा पा रहे, मतलब बहुत ही बेकार। मतलब फर्स्ट दो स्टैंजा में आपको एक रेफ्यूजी कैंप का पूरा सिनेरियो बता रहे कितने बुरी हालत में वो लोग रहते हैं, बट फर्स्ट लाइन जो है नो मैडोना इन चाइल्ड, देखो वो जो एक पोर्ट्रेट है मैडोना एंड उसके बच्चे का, उस पोर्ट्रेट को ये राइटर है जो कि कंपेयर कर रहा है, कॉन्ट्रास्टली कंपेयर कर रहा है एक माँ और एक बच्चे को जो कि रेफ्यूजी कैंप में है एंड माँ ने एक बच्चे को गोदी में बिठा के रखा है। मतलब वो जो सीन है रेफ्यूजी कैंप का वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि वो उससे कंपेरिजन, देखो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन है मदर मैरी एंड मैडोना एंड उसके बच्चे का, बट ये जो सीन है बहुत ही इमोशनल है, उसको कॉन्ट्रास्टली कंपैरिजन कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इमेजिनरी कॉन्ट्रास्ट है। फिर आगे देखते हैं, अदर मदर्स देर हैड लॉन्ग सिस्ट टू केयर बट नॉट दिस वन, शी हैड अ घोस्ट स्माइल बिटवीन हर टीथ एंड इन हर आइज द मेमोरी ऑफ मदर्स प्राइड।
She had bathed him, rubbed him down with bare palms. She took from their bundle of possessions a broken comb and combed the rust-colored hair left on his curl, and then, humming in her eyes, began carefully to part it. In their former life, this was a perhaps a little daily out of no consequence before his breakfast and school. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा होगा मेरे इंग्लिश पढ़ने में, बट इट्स ओके, चला लेना. ओके, सो अब देखो क्या हो रहा है कि सेकंड जो पैराग्राफ है उसके अंदर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जो मतलब बच्चे इतने ज़्यादा बुरी हालत में है कि अब माताओं ने बच्चों को मतलब एकदम मतलब दुख में ही जी रहे हैं. उनको सामने दिख रहा है कि यार बच्चे कितने ज़्यादा मुश्किल में है, बट वो कुछ कर नहीं पाए. देर आर हेल्पलेस, मदर्स आर हेल्पलेस. एंड देन ये जो लाइन है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पूछी थी कि शी हैड अ घोस्ट स्माइल बिटवीन हर टीथ एंड इन हर आईज द मेमोरी ऑफ मदर्स प्राइड. ये जो लाइन है, शी हैड अ घोस्ट स्माइल, लास्ट में वो बोलती है ना कि शी डिड इट लाइक पुटिंग फ्लावर्स ऑन अ टाइनी ग्रेव. तो ये जो सीन है ना जिसमें एक माँ अपने बच्चे को ऐसे पकड़े बैठी है गोदी में, एंड उसका बच्चा एक्चुअल में मर चुका है, तो उसको एक आखिरी बार उसको जैसे तैयार करते, जैसे देखो वो एक सिचुएशन है कि जो डेली लाइफ है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को सुबह स्कूल के लिए तैयार कर रही है एंड उसको ब्रेकफास्ट दे रही है, वो बहुत ही सिंपल सा, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग इन डेली लाइफ. बट यहाँ पे बहुत बड़ी बात है बिकॉज उसका बच्चा मर चुका है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल है, मतलब यानी हंस नहीं रही है वो, बहुत ही एक दर्द भरी भी है और एक अंदर से शांति वाली स्माइल है. एंड देन वो उसको कंघी कर रही है, उसको सहला रही है, एंड देन वो उसको ऐसे सिंपल से रख दिया मानो. एंड देखो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स का ऐसा यूज़ किया गया है कि कलर्ड हेयर, रस्ट कलर्ड हेयर लेफ्ट ऑन हिज स्कल. स्कल दिमाग, ब्रेन नहीं यूज़ किया, माइंड यूज़ नहीं किया, स्कल हेड नहीं यूज़ किया, स्कल यूज़ किया. मतलब स्कल क्यों यूज़ किया होगा, बिकॉज बच्चा इतना ज़्यादा कुपोषित है, इतना ज़्यादा मरियल हो चुका है कि उसका मतलब वो रिब्स ही दिख रहे हैं, पूरे हर जगह पे उसके रिब्स दिख रहे हैं. रस्ट कलर, अब देखो यहाँ पे कैसा है कि जो हेल्दी बच्चा होगा, कोई भी हेल्दी होता है, तो उसके या तो ब्लैक हेयर होता है या ब्लॉन्ड होता है या एक हेल्दी हेयर पर चल जाता है. बट जो रस्ट हो जाता है, जब रस्टी कलर, अगर आपको रस्टी कलर हेयर अगर आपको देखना है तो मैं आपको बेस्ट बताता हूँ. आप कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन साइट पर आप चले जाइए या कोई भी आप फुटपाथ पर अगर कहीं पर भी गरीब बच्चों को देखते हो तो आप उनके बालों को ज़रूर नोटिस कीजिएगा, उनके रस्ट हो चुके हैं. नॉट बिकॉज दे आर प्लेइंग इन दोज धूल मिट्टी एंड पूरा दिन बाहर रहते, इसकी वजह से नहीं, दे आर माल नरिश्ड. उनको माल नरिशमेंट की वजह से वहाँ पे उनका वो पोषण नहीं मिलता, एंड बिकॉज उनके वो हेयर रस्टी हो जाते, रस्ट कलर आ जाता है. एंड देन फिर लास्ट में क्या होता है, शी टुक फ्रॉम द बंडल ऑफ पोजेशन अ ब्रोकन कॉम एंड कॉम द रस्ट कलर. ओके, एंड अब हम लोग उस ब्यूटीफुल से लाइन के बारे में बात करते हैं. शी हेल्ड अ घोस्ट स्माइल बिटवीन हर टीथ. अब सोचो थोड़ी देर के लिए, एकदम शांत हो जाओ, पहले तो पॉज ले लो आप आराम से दो मिनट के लिए, एंड थोड़ा सा शांति से सोचो. एक रेफ्यूजी कैंप है, एक बच्चा रोज, मतलब एक माँ मतलब देख रही है कि उसका बच्चा रोज़ कितना कुछ सह रहा है, खाना नहीं मिल रहा है. देखो एक माँ को, माँ के लिए तो ऐसा ही नहीं कह रहा, उसका बच्चा रोएगा तो उसको कितना बुरा लगता है. डिवाइन लव ऑफ मदर. बट उसी के साथ जब उसका मतलब बच्चा रो रहा है एंड बहुत ज़्यादा कष्ट सह रहा है, बहुत ज़्यादा दुख सह रहा है, खाना नहीं मिल रहा है एंड ऑल सच थिंग्स, तो उसकी मम्मी को, उसकी माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. बट अब जब उसका बच्चा मर चुका है, ठीक है, मर चुका है, तो उसकी माँ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल है बिकॉज उसकी माँ को एक मन में शांति मिल चुकी कि चलो हाश, मेरा बच्चा इन सारे दुखों से छूट गया, सारे दुखों से बरी हो गया, मतलब अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, रेस्ट इन पीस. उसका मीनिंग ही है कि वो सारी चीज़ों से मुक्त हो चुका है. सोचो एक, देखो कितना कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल. आप दो मिनट लिए आपको बहुत सिंपल चीज़ लगेगी, बट एक राइटर, एक लिटरेचर की ब्यूटी ही यही है कि वो ऐसी छोटी सी लाइन के अंदर इतनी बड़ी बात बोले. को माँ के प्यार की कोई सीमा ही नहीं है. सोचो एक माँ मतलब किस हद तक आपको प्यार कर सकती है. दैट इज़ ब्यूटीफुल, दैट इज़ अ डिवाइनिटी ऑफ लव फ्रॉम मदर.
देखो कितना सोच के मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक मतलब एक माँ कितना हद तक कितने कोई कोई सीमा नहीं। आई हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस, लाइक मेरे को तो बस इतना पता था जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मुझे लिटरेचर का ज्ञान है, इस हिसाब से इसका डीकोडिंग स्टेटमेंट तो यही है, बट मैं इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल था, लाइक इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल पोएम, इमोशनल है एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। अगर आपको पसंद आई है तो जाइए अभी अभी अपनी मम्मी को हक कर लीजिए, मतलब आशीर्वाद ले लीजिए, मतलब उनके लिए ग्रेटफुल रहिए, दैट इज़ द मीनिंग। एक तो देखो ये एक पोएम के अंदर आपको वो चीज़ें दिखा रहा है कि जो रेफ्यूजी कैंप होते हैं वो कितने भयानक होते हैं एंड क्यों रेफ्यूजी कैंप्स बनाए जाते हैं, किस वजह से होते हैं, वी ऑल नो। तो वो एक चीज़ है, वो पॉलिटिकल चीज़ बता रहा है एंड एक माँ के प्यार को बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में दिखा रहा है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम। आई होप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड लिटरेचर की बात चली रही है तो यही है कि लिटरेचर के अंदर देखो आपको पता चल गया होगा कि कुछ कुछ लाइंस, कुछ कुछ वर्ड्स के अंदर राइटर ऐसी चीज़ें लिख देता है, ऐसी चीज़ें छुपा देता है जिसको डिकोड करना पड़ता है। जब डिकोड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वैसे ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा काव्य है हमारे भारतीय लिटरेचर का, श्री तुलसीदास रचित सुंदरकांड, पंचम सोपान सुंदरकांड रामचरितमानस के अंदर से है। तो उसी को मैंने पढ़ा एंड उसके अंदर ही ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल लाइफ लेसन से बहुत ही ब्यूटी है उसके अंदर एंड मैं उसी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ अभी एंड उसको अगले महीने 31 दिसंबर को मैं उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाऊंगा एंड आई विल, बिकॉज मुझे एक महीना चाहिए उसके अंदर पॉडकास्ट बनाने के लिए। बस मैं ऐसे नहीं कि एक हफ्ता पढ़ लिया बस कुछ भी करके बना लूँ, नहीं, आई वॉन्ट दैट कि मैं उसको बेस्ट से बेस्ट अपना वर्क बनाऊँ एंड आप सभी के सामने रखूँ। एंड सुंदरकांड तो है ही, और तो और भगवद गीता, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा मार्च के अंदर, बिकॉज उसके लिए कम से कम मुझे 3 से 4 महीने का स्टडी टाइम चाहिए, बस बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए। तो आई विल प्रिपेयर माई बेस्ट कि उसके ऊपर भी मैं अच्छे से अच्छा पॉडकास्ट, उसके लाइफ लेसन एंड ऑल सच उसको भी डिकोड करूँ, तो वो आपके सामने अगले साल मार्च में मैं ज़रूर लेके आऊँगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हो तो मैं आपको बता दूँ कि चैनल का थोड़ा ब्रीफिंग बता देता हूँ, आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। सिंपल है कि इसमें मैं एक महीने में 4 वीडियोस डालता हूँ, उसमें से 2 वीडियोस अब अगले महीने से 2 वीडियोस साइकोलॉजी के ऊपर होंगे, एक वीडियो किसी एक अच्छी बुक के ऊपर पॉडकास्ट होगा, मतलब बुक के लाइफ लेसन, जो मैं बुक पढ़ता हूँ उसके अंदर जो मैं सीखा, मतलब मैं बुक का एज सच नहीं डालूंगा बिकॉज वो कॉपीराइट के ऊपर आ जाता है, बट जो उसमें से मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ अपने पर्सपेक्टिव में मैं उसके अंदर आपके लिए पेश करूँगा। एंड एक वीडियो होगा ऐसे अच्छी खासी किसी लिटरेचर पोएम, लिटरेचर स्टोरीज के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। एंड कल गुजराती लोगों का हैप्पी न्यू ईयर है, सो बधा गुजराती मित्रों ने, भाइयों बहनों ने साल मुबारक, एंड तब तक के लिए खुश रहिए एंड मेरे वीडियोस को देखते रहिए। एंड आज दिवाली भी है, नेहरू जी का भी बर्थडे है एंड माइंड गिक पॉडकास्ट के ओनर का भी बर्थडे है, तो आप अपने भव्य क्या बोलते हैं लिख सकते हैं, जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। तब तक के लिए जी खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।